देखिए फ्रेंड्स, कंप्रेसर का पंप कैसे सही करें, हमने इस पर पार्ट वन इसका बनाया था। पार्ट टू हम आपको अब ये दिखा रहे हैं। देखिए, हमने आपको दिखाया था इसकी जो गजन पिन है वो कटी हुई है। देखिए, मैं इसमें डाल के आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए चाल है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आवाज़ कर रहा था, उसका प्रेशर भी डाउन हो रहा था। दोस्तों, यदि आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं कि पंप, फ्रिज के कंप्रेसर का पंप कैसे रिपेयर करते हैं। देखिए, ये नया गजन पिन है, इसको हम इसमें डालेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल सही है, टाइट है, ये इसमें कोई चाल नहीं है। तो दोस्तों देखिए, ये पिस्टन है हमारा, इस पिस्टन को हम इस तरह से इसमें ये रखेंगे। ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ, ये हमारा जो इसमें लॉक फंसता है, ये देखिए इसमें लॉक फंसेगा, इसलिए हम इसको इसी तरह से, गजन पिन में भी दोस्तों लॉक होता है, छेद होता है, इसमें हमें लॉक फंसाना है। तो हम इस छेद को, गजन पिन को इस हिसाब से इसमें डालेंगे ताकि ये जो इसका छेद है ये दोनों मिलकर रहें। ये देखिए, अब हम इसमें गजन पिन इस तरह से इसमें फिट कर देते हैं। ये देखिए, इसके छेद आप मिला लें दोनों और इसको इस तरह से डाल देते हैं और फिर इसमें ये लॉक लगा देंगे। ये लॉक इस छेद में लगा देंगे और ये लॉक वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम पहले इसमें ये लॉक लगा देते हैं, थोड़ा सा इसको ठोक देंगे, इस तरह से आप इसको ठोक सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये कनेक्टिंग राड में पिस्टन और गजन पिन लगा दी है। अब हम इसको देखिए, इसका जो बोर है पिस्टन का, उसमें इसको फिट करेंगे। फिट करने के बाद आपको दिखाएंगे किस तरह से इसकी सेटिंग की जाती है। दोस्तों, थोड़ा सा इसमें आप ऑयल लगा लें, पिस्टन है ये, पिस्टन के ऊपर थोड़ा ऑयल लगा के इसका, पिस्टन का जो बोर है उसमें हम घुमा के इसको डालेंगे। देखिए, इस तरह से आप इसमें डाल दें। उसके बाद फ्रेंड्स, जो इसका रूटर है जिसमें बुश लगा होता है, ये देखिए, इसको हम फिट करेंगे। सही से इसको फिट करने के बाद, इसमें तीन पेंच होते हैं पीछे, मैं भी आपको दिखाऊंगा। इन तीनों पेंचों को आप प्रॉपर तरीके से टाइट कर दें ताकि इसमें लूजिंग कहीं ना रहे। देखिए, आप बहुत सावधानी पूर्वक इसको करना है। दोस्तों, ये आप छेद मिला लेंगे, देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये तीनों छेद, या एक ये है और एक ये छेद है और एक इसका ये छेद है। तीनों छेद मिलाने के बाद फ्रेंड्स, इसमें अच्छे से स्क्रू टाइट कर देंगे और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमारा पंप रिपेयर हुआ या नहीं हुआ। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको पंप रिपेयर करने का प्रोसेस दिखा रहे हैं। इसका पार्ट वन हमने बना रखा था, शायद आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। उसमें हमने कंप्रेसर की पूरी जानकारी दी है, कौन कौन से इसमें पार्ट्स होते हैं, क्या सिस्टम होता है, कैसे इसको खोलते हैं। ठीक है, हम तीनों इसके नट फटाफट से लगा देते हैं। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पुश कर लें ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप कुछ जानकारी हासिल कर पाएँ। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट्स करना, क्योंकि आपके कमेंट्स से, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। देखिए, हम इसको टी की सहायता से तीनों स्क्रू अच्छे से टाइट कर देंगे। तीनों स्क्रू टाइट करने के बाद इसमें मोटर भी लगाएंगे, किस तरह से मोटर की सेटिंग की जाती है उसकी जानकारी भी दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाएँगे। वीडियो में आप बने रहें। तो देखिए, तीनों स्क्रू हमने टाइट कर दिए हैं फ्रेंड्स, और इसका देखिए रूटर आराम से घूम रहा है और हमने इसको हाथ से घुमा के प्रेशर देखा तो इसका प्रेशर भी ठीक आ रहा है। बाकी पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे, प्रेशर चेक करके दिखाएंगे। देखिए, पहले हम इसमें मोटर सेट कर लेते हैं। मोटर सेट करने के बाद आपको दिखाएंगे किस तरह से इसका प्रेशर चेक करते हैं। थोड़ा कपड़े से इसके ब्लॉक को अच्छे से साफ कर लें दोस्तों। मोटर फिट करने के बाद हम आपको दिखाएंगे किस तरह से इसका प्रेशर चेक करेंगे और हमारा जो हमने रिपेयर किया है कंप्रेसर, इसका प्रेशर सही हुआ है या नहीं हुआ है
ये इसकी मोटर है, इसमें चार स्क्रू होते हैं, चारों स्क्रू को आप अच्छे से टाइट कर लें और इसका जो गैप है मोटर और रूटर के बीच में जो गैप होता है उसको भी अच्छे से सेट करेंगे, क्योंकि यदि गैप आपका इक्वल नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, तो ये मोटर रूटर घूमेगा नहीं और कंप्रेसर चल नहीं पाएगा। पहले हम इसके नट लगा देते हैं, नट लगाने के बाद इसका गैप कैसे नापते हैं वो भी आपको दिखाएंगे, पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे, बने रहें आप वीडियो में। फ्रेंड्स, हम इसके चारों स्क्रू अच्छे से टाइट कर लेंगे और इसका जो साइडों का गैप है उसको नापने के बाद हम कंप्रेसर को चला के देखेंगे हमारा कंप्रेसर का पंप जो है वो रिपेयर हुआ या नहीं हुआ, प्रेशर इसका सही हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों, इसमें आवाज़ बहुत थी, आप जब इससे पहले जो हमने पार्ट वन बनाया उसको देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ थी कंप्रेसर में। आवाज़ इसीलिए थी कि उसकी जो गजन पिन थी वो कटी हुई थी फ्रेंड्स, और इसीलिए इसका प्रेशर 100-120 के आसपास प्रेशर था उस समय। तो छोटा सा एक पार्ट्स इसका ख़राब होने की वजह से इसका प्रेशर डाउन हो गया और कंप्रेसर फाल्ट हो गया। जब प्रेशर कंप्रेसर का डाउन होता है तो उसको कंप्रेसर फाल्ट माना जाता है, तो वो कूलिंग नहीं करता है। तो देखिए, हम इसका गैप नापेंगे, गैप नापने का ही स्टेज है, गैप नाप, क्योंकि गैप दोस्तों इसलिए नापना ज़रूरी है, यदि रूटर इसका किसी भी साइड टकराएगा तो मोटर चलेगी नहीं, और क्योंकि ये बेल्ट होता है बार बार आप इसको सही नहीं कटवा सकते, इसलिए इसका गैप अच्छे से नाप लें। चारों तरफ से इसका गैप नापने के बाद इसके चारों स्क्रू अच्छे से टाइट कर दें। देखिए, इस तरह से आप गैप इसका नाप के इसके स्क्रू अच्छे से टाइट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं फटाफट से इसके सेटिंग कर देता हूँ मोटर की, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि हमारा जो पंप है कितना प्रेशर देता है। ये देखिए, हम इसका गैप चारों तरफ से नापेंगे ताकि चारों तरफ हमारा जो इसमें गैप है बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। हल्की हल्की सेटिंग करके आपको इसको इसके कसने हैं दोस्तों, गैप बहुत ज़रूरी है इसका गैप इक्वल होना, वरना ये जो रूटर है ये घूमेगा नहीं। जब रूटर घूमेगा नहीं दोस्तों तो कंप्रेसर हमारा स्टार्ट नहीं होगा। ये देखिए, हमने इसका प्रॉपर गैप बना दिया है, गैप बनाने के बाद इसके चारों स्क्रू अच्छे से कस देंगे। देखिए, अभी इसमें थोड़ा सेटिंग करनी पड़ती है दोस्तों, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। मैं चाहता तो इसको थोड़ा फास्ट दिखा देता, लेकिन मैं आपको भी सिखाने के हिसाब से जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाया किस तरह से मोटर फिट की जाती है। देखिए, हम इसके चारों आमने सामने के जो नट हैं उनको टाइट करेंगे, क्योंकि गैप हमें इसका बना के रखना है तभी हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होगा, वरना कंप्रेसर रूटर टकराएगा मोटर से और कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। अच्छे से इसका गैप नापने के बाद चारों नट आप अच्छे से टाइट कर दें फ्रेंड्स। ये देखिए, हमने इसका गैप इक्वल करने के बाद अच्छे से इसके नट टाइट कर दिए हैं चारों। देखिए, अच्छे से इसका, ये देखिए रूटर इसका आराम से घूम रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और गैप भी देखिए, हम फिर फुल टाइट करने के बाद आपको चेक करके दिखा देते हैं, इसका जो गैप है वो सही है। तो दोस्तों, ये इसकी मोटर अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसमें इसकी जो लीड है ये लीड लगा देंगे टर्मिनल में। लीड लगाने के बाद हम इसमें कपलर लगा के आपको प्रेशर चेक करके दिखाएंगे फ्रेंड्स। देखिए, हमने इसमें इसकी लीड लगा दी है दोस्तों। जब आप इसको चलाएं तो इसको पहले अच्छे से आप साफ़ कर लें, पूरे ब्लॉक का अच्छे से साफ़ कर लें, और जो इसका डोम है उसको भी अच्छे से साफ़ कर लें, ताकि कोई भी कटिंग का रेशा या डस्ट वगैरह कोई भी कचरा उसमें ना हो, वरना पिस्टन में अगर कचरा फंसेगा फ्रेंड्स अच्छे से हम इसको साफ़ कर लेते हैं, और जो इसका डोम है जिसमें हमें इसको रख के चलाना है उसको भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। देखिए, हमने इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है,
पूरा साफ करने के बाद ही हम इसको चलाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि इसका प्रेशर कितना है, हमारा कंप्रेसर का प्रेशर सही हुआ या नहीं हुआ, इसका पंप का प्रेशर सही हुआ या नहीं हुआ, ये आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में। दोस्तों देखिए, बहुत अच्छे से हमने इसको साफ़ कर लिया है और इसका जो डोम है उसको भी हमने साफ़ कर लिया है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे, इसको हमने बिल्कुल क्लीन कर लिया है। अब हम इसमें रख के इसको चला के देखते हैं कि इसका प्रेशर कितना है। ये स्प्रिंग पे दोस्तों रखा हुआ होता है, आप देख रहे हो, चार स्प्रिंग है इसमें। तो इस तरह से आप रख सकते हैं, रखने के बाद इसकी जो लीड है उसको टर्मिनल में लगा दें, फिर इसमें ओवरलोड रिले लगा के हम इसको चलाएंगे। देखिए, हम इसकी लीड लगा देते हैं, तीनों पॉइंट इसमें होते हैं कॉमन रनिंग स्टार्टिंग के। कंप्रेसर को डायरेक्ट कैसे स्टार्ट करते हैं दोस्तों, यदि आपको नहीं पता है तो इसका भी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके वीडियो देख सकते हैं किस तरह से कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम इसमें कपलर लगा देंगे, ये डिस्चार्ज लाइन वाला जो लाइन है, डिस्चार्ज वाला पाइप है, इसमें कपलर लगा के, चार्जिंग लाइन लगा के, और प्रेशर मीटर लगाने के बाद ये देखिए कपलर है, इस कपलर को लगाने के बाद प्रेशर मीटर लगा के चेक करेंगे कि कंप्रेसर का प्रेशर हमारा कितना हुआ। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, और बहुत ही कम कीमत में दोस्तों ये रिपेयर हो जाते हैं कंप्रेसर। थोड़ा जानकारी का अभाव होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए किस तरह से कंप्रेसर रिपेयर होता है। देखिए, हमने इसमें कपलर लगा दिया है फ्रेंड्स, और कपलर लगाने के बाद इसमें चार्जिंग लाइन लगा देंगे और फिर इसको स्टार्ट करके देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि इसका प्रेशर जो है कितना पहुंचा। दोस्तों, कंप्रेसर का यदि प्रेशर डाउन होता है तो कंप्रेसर फिर कूलिंग नहीं करता है, इसलिए कंप्रेसर का प्रेशर डाउन है तो कंप्रेसर फॉल्ट माना जाता है फ्रेंड्स। और कंप्रेसर का प्रेशर बहुत ही आसान तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं, यदि आप टेक्नीशियन हैं तो आपके लिए बहुत यूज़फुल वीडियो है ये दोस्तों। इसमें ओवरलोड और रिले लगा के हम इसको चलाते हैं, ये देखिए, हम इसका ओवरलोड और रिले हम लगा देते हैं। ये हमने देखिए इसका ओवरलोड लगा दिया है, और अब ये देखिए रिले हमने इसकी लगा दी। अब हम इसको स्टार्ट करके देखेंगे, देखिए हमने इसमें करंट दे दिया है, न्यूट्रल फेस दे दिया है दोस्तों। अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने कंप्रेसर स्टार्ट कर दिया है, और अब हम देखेंगे कि हमारा जो प्रेशर गेज है उसमें कितना प्रेशर शो कर रहा है। ये देखिए कितनी तेज़ी से इसकी स्विच चलने लगी है दोस्तों, इसका 100-120 प्रेशर था, देखिए 400 प्रेशर इसने क्रॉस कर दिया है, और अभी लगातार इसकी स्विच दोस्तों चल रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कंप्रेसर का प्रेशर है वो बिल्कुल ओके हो गया है। देखिए, कुछ मुझे लग रहा है ये हल्का हुआ है, इसकी जो सुई हल्की हुई है, इसमें कहीं लीकेज हो सकती है, उसको हम देखते हैं कहाँ पे लीकेज है। जो हमने कपला लगाया है, हो सकता है वहाँ पे लीकेज हो, वहाँ पे आप हल्का सा ऑयल डाल के चेक कर लें। देखिए, हम इसमें ऑयल डाल देते हैं, जो आवाज़ हो रही थी कंप्रेसर की वो भी बंद हो जाएगी। ऑयल डाल के ही आप चलाएँ कंप्रेसर को दोस्तों। ऑयल डाल दिया है हमने कंप्रेसर में, और देखिए हमारा जो प्रेशर है इसका बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि इसकी सुई बहुत तेज़ी से भागने लगी मीटर में, आपने देखा होगा। लेकिन 400-450 के आसपास जाके थोड़ी सुई हल्की हुई थी, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अभी हमारे इसमें हो सकता है कपलर के पास से लीकेज हो, या चार्जिंग लाइन में कहीं लीकेज हो, उसको हम अभी फाइंड कर लेंगे, देख लेंगे। देखिए इतनी तेज़ी से इसकी सुई चल रही है, मैं दोबारा से इसका प्रेशर निकाल के दोबारा से इसका हमने प्रेशर स्टार्ट किया है। वाल खोल दिया था, हमने वाल इसका बंद कर दिया, देखिए ये लगातार सुई बढ़ रही है आगे वो, और ये यहाँ आके थोड़ा सा सुई हल्की हो जा रही है। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं अभी हमारे सिस्टम में लीकेज है,
जबकि इसका प्रेशर बहुत अच्छा हो गया है, एकदम स्पीड भाग रही है, देखिए 420-430 के आसपास जा के थोड़ा अच्छा फिल डाउन हुई है ब्रांच। अब हम देखते हैं इसमें तो ऑयल फिश कहाँ हो सकती है। ये देखिए हमने इस पर कपलर का ऑयल डाला, तो कपलर ऊपर बुलबुले निकलने लगे हैं, इसीलिए हमारा जो फ्री है यहाँ के हल्की हो गई है और इसका प्रेशर बिल्कुल ओके हो गया।